गोल्डन वॉइसेस चैनल के साथ आपके फारूक अहमद का सलाम कबूल कीजिए। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन वॉइसेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे, वो है जनाब नामवर मौसीकार दीपू भट्टाचार्य। नाज़रीन, एक मेहदी हसन की आवाज में नगमा है जिसके बोल हैं, तन्हा थी और हमेशा से तन्हा है जिंदगी। नाज़रीन, सोज़ और गुदास से भरपूर शहनशाह गज़ल मेहदी हसन की आवाज में ये नगमा आपने बारहा सुना होगा। मौसीकार दीपू भट्टाचार्य ने इसे फिल्म जलते अरमान बुझते दीप के लिए कंपोज किया था, लेकिन ये फिल्म महज 3-4 नगमों की रिकॉर्डिंग तक ही महदूद रही थी और सेट की जीनत न बन सकी, यानी ये फिल्म नुमाइश पजीर ना हो सकी। ये नगमा मौसीकार दीपू भट्टाचार्य की ज़ाती जिंदगी की तर्जमानी करता है। उन्होंने इस शायरी को अपना दर्द समझकर सोज़ो अलम में डूबी हुई कैफियत आमेज धुन तख्लीक की और ये नगमा फिल्म के वजूद के बगैर ही शोरा आफाक संगीत का हिस्सा बन गया। मौसीकार दीपू भट्टाचार्य ने शरीक जिंदगी के बगैर सारी उम्र बसर की, यानी जिंदगी भर शादी में। दीपू भट्टाचार्य ने कराची के फिल्मी मरकज से अपने कैरियर का आगाज किया। जल्द ही उनका शुमार मकबूल मौसीकारों में होने लगा, जबकि 1966 की फिल्म बदनाम से उनकी शोहरत और मकबूलियत बामे अरूज पर पहुंच गई। यूं तो फिल्म बदनाम के तकरीबन सभी नगमे मकबूल हुए, लेकिन सुरैया मुल्तानी करके गाए हुए एक नगमे ने, जिसके बोल हैं, बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करें। इस नगमे से तो दीपू भट्टाचार्य को बैरून मुल्क भी शनाख्त मिली। इसी नगमे की वजह से गुलकारा सुरैया मुल्तानी कर को भी बेपनाह शोहरत और दाद मौसूल हुई। दीपू भट्टाचार्य की मौसीकी से आरास्ता पहली फिल्म मस्का पालिश थी, जो 1957 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के हिदायतकार फिदा यजदानी। उनकी दूसरी फिल्म ये दुनिया 1960 को मंजरियाम पर आई, उसके हिदायतकार नजीब सूफी थे। फिर हिदायतकार शेख हसन ने फिल्म लाखों फसाने के लिए दीपू भट्टाचार्य का इंतखाब किया। इस फिल्म के हीरो अदाकार दर्पण थे। मौसीकार दीपू भट्टाचार्य की तीनों फिल्में तिजारती नुक्ता निगाह से नाकाम हुई थी। उनकी पहली सुपरहिट फिल्म बंजारन 1962 में रिलीज हुई। उस फिल्म के फिल्मसाज थे इकबाल शहजाद, हिदायतकार थे हसन तारिक और नुमाया सितारे थे नीलो कमाल, निराला, इब्राहिम नफीस और अलाउद्दीन। यह नामवर नगमा निगार मसरूर अनवर की पहली फिल्म थी, जबकि गुलकार मसूद राणा की भी ये इब्तदाई दौर की फिल्म थी। और यहीं से मौसीकार दीपू भट्टाचार्य की इकबाल शहजाद, मसरूर अनवर, गुलकार मसूद राणा के साथ ज़ेहनी हम आहंगी कायम हो गई और उनके इश्तराक से कई खूबसूरत और दिलनवाज नगमात वजूद में आए। फिल्म बंजारन में फयाज हाशमी का लिखा हुआ गीत, जो नूर जहां की आवाज में था, जिसके बोल हैं, न जाने कैसा सफर है मेरा, जहां है मंजिल वहीं लुटेरा, ये नगमा नाज़रीन बेहद मकबूल हुआ। 1963 में दीपू भट्टाचार्य ने 3 फिल्मों के मौसीकी तरतीब दी, उनमें कत्ल के बाद, शिकवा और शरारत की मौसीकी तरतीब दी थी। फिल्म शरारत के हिदायतकार रफीक रिजवी थे। शरारत में अदाकार मोहम्मद अली की बतौर हीरो रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी, जिसमें गुलकार मसूद राणा के गाए हुए एक नगमे ने पूरे मुल्क में मकबूलियत हासिल की, जिसके बोल हैं, ए दिल तुझे अब उनसे ये कैसी शिकायत है। इस नगमे ने दीपू भट्टाचार्य की शोहरत में बेहद इजाफा किया। उन्होंने फिल्म समंदर में गुलाम नबी और साथियों की आवाजों में धमाल को भी सदाबंद किया। 1970 में दीपू भट्टाचार्य की फिल्म जिंदगी में इस एतबार से नुमाया रहा। इस साल अदाकार तरनम की जाती प्रोडक्शन फिल्म झुक गया आसमान में रूना लैला की दिलनशी आवाज में दीपू भट्टाचार्य ने वो सेहरा मरतब किया।
जो आज भी दिलों के तारों को छूता है। ये फिल्मी शेर आज तक कभी सुनने को नहीं मिला। दीपु भट्टाचार्य ने तकरीबन 25 फिल्मों की मौसीकी दी। उनका इंतकाल 1994 को हुआ। तहम उनके सदाबहार नगमात भी उनकी हमेशा याद हमें दिलाते रहेंगे। नाजरीन, ये था दीपु भट्टाचार्य मौसीकार के बारे में प्रोग्राम। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। चलते चलते आपसे गुजारिश करता चलूं कि मेरे YouTube चैनल गोल्डन वॉइसेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मैं मेज़बान फारूक अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।